टेक्सचर्स हैं, और द बेस्ट पार्ट इज़ के हम इसको अच्छे से ब्लेंड कर पाए, और वो ब्लेंड होने के बाद भी हमेशा होता है ऐसा है कि वीडियो अच्छा बनाने के लिए सबसे पहले गाना होना चाहिए, तो ये गाना इस गाने के अंदर थोड़ी सी कहानी उल्टी, क्योंकि जैसे ही कहानी बनी ना तो उसके हिसाब से गाना और ग्रो होना शुरू हुआ और डेवलप होना शुरू हुआ, क्योंकि जब इसको शुरुआत की थी तब ऐसा नहीं था ये गाना। एंड इसकी जो म्यूजिक प्रोड्यूसर है इफ़ ही इज़ हियर आई वुड रिक्वेस्ट प्रसाद जी, प्रसाद शास्त्री अगर आए हैं तो कम, और कोई म्यूजिशियन अगर आए, प्रदीप पंडित हैं, सामराज हैं कोई ऑडियो टीम से, तो एनीवेज अभी हाँ ये शुरुआत हुई, उसके लिए सबसे पहले आई वुड थैंक टेरेंस फॉर बिलीविंग सो मच इन द सॉन्ग, और गाने के साथ साथ अच्छे गाने में तो बिलीफ हो जाता है, आदमी में बिलीफ होना मुश्किल होता है, तो थैंक यू फॉर बिलीविंग इन अस, मुझ में, सरोवर में, एसके म्यूजिक वर्स में। और ये बहुत मेरे लिए गाना इसलिए स्पेशल है, गाना तो ठीक है हमने किया बट उसके कारण आई फाउंड अ वेरी गुड फ्रेंड और इंस्पायरिंग फ्रेंड के हमेशा आते हैं, तो कुछ ना कुछ नई चीज़ ऐसे इंस्पायर करके जाते हैं। अभी पहले पहले आते थे तो केवल लुक्स वुक्स का लगता था, अरे यार हाँ ये उम्र में देखो क्या फिट बॉडी कुछ करना है, फिर धीरे धीरे जैसे काम करने शुरू किए तो अब ये आता है अरे हाँ यार मतलब अपने काम के लिए, मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि मतलब जितने पैशन से मुझे पहले लगता था मैं अकेला ही बहुत पैशनेट हूँ, सो आफ्टर मीटिंग हिम आई सी अभी तो बहुत और मेहनत करनी है टू बिकम एज पैशनेट एज ही इज, सो थैंक यू सो मच। ऑनेस्टली everybody who's come here, thank you so much for me support karne ke liye, thank you very much for coming here, it means a lot to all of us। मैं ये ज़रूर कहूँगा कि बहुत फ़ख्र के साथ करूँगा कि ये जो गाना मैंने जब हाँ बोला तो मेरे दोस्त ही थे अज़ीज़, 20 साल से जानता हूँ, इज़ बीन सेइंग आई वांट टू कास्ट यू इन अ फिल्म, आई वांट टू कास्ट यू इन अ फिल्म, फिल्म दूर की बात नहीं, बट आई थिंक वी स्टार्टेड विद अ म्यूजिक वीडियो एंड ही हैड अ सर्टेन विजन फॉर मी, सेड आई इमेजिन यू एज़ अ रॉक स्टार लाइक द वे यू वर 20 इयर्स अगो व्हेन यू वर कोरियोग्राफिंग मी एज़ एन एक्टर, सो द रोल्स हैव चेंज्ड नाउ, ही इज़ बिकम अ डायरेक्टर एंड आई एम द एक्टर। But I have to say this, Sanobar has not taken any credit for the story. So the initial story was Sanobar's. And the song was very good. And I asked, okay, Sanobar, the Siddharth has done a great job. What about the story? And I said, okay, this is our story. Aziz and they both fleshed out the story. And then Maruk developed all the details and made sure it looked good. But more importantly, I have to say this, that Siddharth, sir, I have worked with a lot of music labels. I have to say in the last few years, 2 years, 3 years. And the respect that he gives to his artists, to his musicians, to his singers, is just incredible, and nobody does this. Especially having a poster which has the musicians and giving credit to the lyricist, ये कोई नहीं करता, बहुत कम लोग करते हैं, और जिस तरीके से जिस मुकाम पर वो आ चुके हैं और जिस तरीके से वो प्रमोट कर रहे हैं, होर्डिंग्स, इवन बुकिंग अ स्टूडियो जस्ट टू शो अ म्यूजिक वीडियो, आई डोंट थिंक एनी म्यूजिक वीडियो हैज गॉट दिस काइंड ऑफ अ लॉन्च, आई एम सो ग्रेटफुल फॉर योर विजन सर, and for really putting your money where your heart is, so I really think that it's a very rare combination to have somebody who's so passionate about music but also passionate about promoting his artist. हम जो पर्दे पे दिखते हैं वही दिखते हैं, but आप बहुत concerned है कि जो लेखक है, जिसने लिखा है, जिसने गाया है, उनको भी इतना prominence देते हैं, and I have to say that in his office the teamwork and the energy and the vibe is just awesome. Firstly, it's the most beautiful office I've seen. It's got great taste. So when I went to the office, I said, agar insaan ke paas itni achhi taste hai to create an office and mobile, like that, I'm sure the kind of work that he does also be interesting. And then I saw some of the music videos and I was blown away by the consistency. More importantly, when I saw him work, Siddharth sir is somebody who gives the artist a free hand. He believes in you, he trusts in you, he doesn't question you. He will guide you in a certain way and you want a certain result. But at the end of the day, there's a certain amount of carte blanche that he gives you. He gives you a kind of open window to say, okay, do sketch, paint the colors you want to. And he supports you like that. So it's really, really interesting because most people are interested only in business. And I feel that the balance of business and art is very rare. And Siddharth is one of them. Raja, Sara. राजा भाई,
राजा थोड़ा गाजा यार, थोड़ा रियल में थोड़ा गाजा. रकीब भाई हैज इज अ लिरिसिस्ट. फैजान भाई, सुदीप, पुष्पा के बाद तो आप छा गए. शाकिर, अलीजा, रवि सर, ग्रुप फोटो के लिए आ जाओ क्योंकि हो गया टाइम अपना 8:45. या वी हैव टू गेट दिस प्लेस. I just have to say it's a very, very beautiful song. First time when I saw this song and I told Siddharth that I'm completely in love with it. It's been shot so beautifully by Aziz. The music is fantastic. Mohammad Irfan, Raja, Sumedha, all have sung so beautifully. It's such a soulful song. And yes, Chhammo is still buzzing in. But though bahut different kind, you know, songs are these, and I'm enjoying this phase right now. Thank you. Hi, this is Sakshi Ulkar Singer here, and really I think Meherba as a musician, it's a fab song, or as a audience point of view, it is amazing. Or visually hum aap logon ne dekha hi hai ki bahut interesting gaana hai. Terence hai, so obviously it's a very nice song. Chhammo, I'm really happy. I think 15 million हुआ है ना अभी, so 15 million cross कर गया है आप सभी के प्यार प्यार की वजह से. So please Chhammo को भी देखिए और मेहरबा को भी देखिए, SK Music Work को सब्सक्राइब कीजिए. 100% बहुत जल्द हम लोग फिर से एक गाना लेकर आ रहे हैं. या थैंक यू. सो मैं जैसे ही अंदर एंटर हुई, दो आई वॉज लेट, आई एम रियली सॉरी, बट थैंक गॉड गाना चल रहा था और आई डू नॉट मिस एनी थिंग. द इंटायर सॉन्ग वॉज लुकिंग लाइक अ फीचर फिल्म, सो नाइसली शॉट. एंड टेरेंस इज, वी ऑल नो दैट हाउ अमेजिंग अ डांसर ही इज़, एंड उनको डायरेक्ट उन्होंने इतने ब्यूटिफुली किया है बाय कैचिंग एवरी मूवमेंट सो नाइसली. एंड द ब्यूटी जो शूट की है, मतलब कमाल किया आपने. आपको कुछ कहना है? मैं कह चुका हूँ. सेकंड माय थॉट. टेरेंस इज एन एक्टर, मैंने टू बी वेरी ऑनेस्ट उनको पहली बार एक्ट करते हुए देखा और उन्होंने बहुत ही ब्रिलियंटली अपने आप को लेकर आए हैं वो. एंड विद दिस सॉन्ग उन्होंने एक्चुअली बताया है कि ही सुपर 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 मल्टी टैलेंटेड. बट यू नो व्हाट, नॉट मेनी पीपल नो दिस, टेरेंस इज ऑलवेज एन एक्टर. वो बाद में कोरियोग्राफर बना, ही वाज ऑलवेज अ मॉडल, ही हैज डन अ लॉट ऑफ म्यूजिक वीडियोस. तभी वो प्रूव भी हो गया कि वो मल्टी. सो आई नो हिम फॉर 20 इयर्स नाउ. तो मैं हमेशा, आई वाज आफ्टर टेरेंस दैट यू गॉट टू डू अ वीडियो. सो फाइनली ऐसा एक गाना मिला हम लोगों को एसके के पास, दैट ओनली टेरेंस कुड हैव डन जस्टिस. एंड आई वांटेड टू शो टेरेंस लाइक अ रियल रॉक स्टार. ही यूज्ड टू बी लाइक दिस 20 इयर्स बैक फ्रॉम द टाइम आई हैड नोन हिम. और अलीजा खान ने भी काम किया है, मतलब मेरी बहुत पुरानी दोस्त. कमाल किया है सबका. ओवरऑल दोस्त है या सबका ओवरऑल बहुत अमेजिंग आया. Terence. Yes. मैं बिलीव नहीं कर सकता था कि ऐसा कुछ हो सकता है, बिकॉज म्यूजिक वीडियोस जनरली यूट्यूब या टीवी पे देखते हैं. लेकिन सिद्धार्थ सर का दिल बहुत बड़ा है कि उन्होंने ये प्रीमियर बुक किया. एंड इट फील्स लाइक वी आर नो, इट्स जस्ट सरियल, बिकॉज वो छोटे फ़ोन पे देखना और टीवी पे देखना और एक बड़े पर्दे पर देखना, सिल्वर स्क्रीन पे देखना, है बहुत अलग बात होती है. आई फील ओवरवेल्म्ड और आई जस्ट वांट टू थैंक एवरीबॉडी. और आप बहुत ही हॉट लग रहे हैं, दोनों की केमिस्ट्री भी बहुत अमेजिंग लग रही है. Thank you. So मैंने जो कुछ भी किया आई लर्न फ्रॉम हिम. 20 years back he was directing me. Yes. और मैं वहीं से सीखकर I gave it back to him this time. Awesome, yeah. But it is lovely. I mean, to have a director who believes in you, that's the first thing, you know, as an actor. Because I don't know of any actor-director combination that has given hits that don't have that kind of love and respect and trust for each other. So thank you, Aziz. Thank you.
The dead girl is going to come back. So we are working on that now. We'll have to ask Siddharth to make another track for that now. Yes, which one? Two Sarahs standing up. Yeah, I just want to say thank you everyone for coming, and it was so amazing to see you on screen and to work with Terrence and Aziz sir and Sadat sir, and it was just such an amazing experience, and I'm really, really excited for what's to come. Yeah, thank you. All the very best to you. Thank you. Thank you, sir. Yeah, let's say it. What do you want to say? Which Sara? Which one? Which Sara? Which Sara? Yes. Okay. What do you want to say? Big Boss pe apna naam aa raha hai ek baar Big Boss. Aa raha hai kya? Wow, I'm excited. Okay. Yeah, good news. This is a good news. I will be very excited to be a part of Big Boss again. Pucha usne tha. Question yahan se aaya. So I'll be very excited if mera Big Boss mein naam aa raha hai to participate wapas karne ke liye. I'll be really, really excited. And what do you want to say, Khatron ke khiladi? Khatron ke khiladi hamesha hi bahut amazing contestants ke saath aata hai aur bahut hi unka jo concept hai wo bahut great hai. So let's see, is bar bhi kuch amazing hoga, great hoga. And music album ki baat karu, you as well, and then so many music albums. ये डायरेक्टर बताएंगे एसके म्यूजिक के साथ हम लोग वीडियो कब कर रहे हैं बहुत जल्दी आई एम सो हैप्पी दैट शी केम एंड शी हैज मेट एवरीवन आई हैड टू एंड शी नोस दैट द सॉन्ग्स आर गुड एंड शी इज गोना डू इट फॉर यस सो नेक्स्ट सॉन्ग वी आर गोना डू इट विद सारा करिए बहुत हिट होता है मैं टेरेंस के साथ अंगद एंड मी वैसे मेरे तीन गाने अभी रिलीज होने वाले हैं सो अंगद सर के साथ जल्दी से ये डायरेक्टर यही खड़ा हुआ है आप लोग यही साइन करवा दो हमको आज आज डिसाइड हो जाएगा ओके थैंक यू गाइस सी यू बाय बहुत अच्छा लगता है बड़े स्क्रीन पे जब देखते हैं मैं अभी टेरेंस को यही कह रहा था कि इट्स अ डिफरेंट एक्सपीरियंस टू सी इट इन सिनेमा एंड हमने जब दुआ करो भी किया उसके बाद जाना है तो जा छम्मो सभी में वी मेड इट हमने स्पेशली डॉल्बी एटमॉस मिक्स करा है क्योंकि टू विजुअलाइज द सॉन्ग के ये चलिए हमारा तो इंडिपेंडेंट गाना है पर यदि ये फिल्म में आता तो कैसा लगता है एंड आई एम सो हैप्पी के आज यहाँ पर जब सब लोगों ने देखा तो हर एक का रिएक्शन बहुत अच्छा था गाने के लिए और लोग सबको बहुत पसंद आया एज अ कंपोजर यू आर या सी हर एक का अपना एक तरीका होता है काम करने का वैन ऐसा ज़रूरी नहीं कि मुझे ट्यून बनाने में कोई बहुत टाइम लगता है या बहुत सोचना पड़ता है बहुत सी बार ऐसा होता है फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में लिरिक्स ड्राइव करते हैं और ट्यून बन जाती है पर जो गाने को पूरा सजाना है क्या क्या इंस्ट्रूमेंट यूज़ करने हैं क्या टोनैलिटी में रखना है किस जोन में है एंड दैट इज़ वेयर इट मेक्स इट वो वहाँ पर हम कोई कोशिश करते कि अपनी समझ से कहीं पे भी अपनी जितनी समझ है उस लेवल तक काम करें उससे कहीं नीचा ना करें और दैट इज़ ओनली द प्रोसेस जो आपको बहुत कुछ सिखाता है और आप उसको सीख करके ग्रो हो पहले दुआ करो फिर जाना है तो जा जानो है तो जा का आर्टिस्ट वर्जन चम्मो एंड मेहरबा आप देखेंगे तो सारे गानों के अंदर जो एसके म्यूजिक वर्क्स में द ओनली कॉमन फैक्टर अमंग ऑल सॉन्ग्स इज सिद्धार्थ कश्यप क्योंकि ये मेरे कंपोज किए हुए और हर आई वॉज ट्राइंग टू डू कि हम अलग अलग जॉनर ट्राई करें हमें ऐसा नहीं कि सिर्फ एक किस्म के गाने ही हम करते रहें क्योंकि गानों का बहुत स्कोप होता है जिस प्रकार से आपके लाइफ के हर सिचुएशन में आपको गाना मिलता है चाहे बच्चा पैदा हो शादी हो या मरने तक के हमारे यहाँ पर गाने होते हैं तो हर सिचुएशन के लिए सॉन्ग है सो
सो वी आर एक्सप्लोरिंग डिफरेंट जॉनर्स ऑफ म्यूजिक और वही सबसे खुशी होती है कि जब लोगों को पसंद आता है कि इतनी वैरायटी है। इट इज़ वेरी मैंने ऐसा होता है कि हम जब गाना सी हमारे दिमाग में पहले कास्टिंग रहती नहीं है। एज ए म्यूजिक कंपनी हमारे लिए सबसे पहला प्रोडक्ट हमारा गाना है। वो जब गाना फाइनल होता है देन फिर हम उसको बाउंस बैक करते हैं, फिर सोचते हैं अब इसके ऊपर किरदार क्या करें, कहानी क्या बनाएं, और फिर जब कहानी बनती तब हम उसकी कास्टिंग के ऊपर में ट्राई करते हैं। तो उसमें बहुत सी बार ऐसा है कि कोई गाने पर हमें कास्टिंग ऐसी लगती है जहाँ पर जिसे हम जानते हैं वो मिल ही रहा है। जैसे अभी अगला जो गाना अभी डॉल्ची गबाना हमारा आने वाला है, अब वो एक नई सिंगर है विश्वजीत का, लेकिन उसकी जो कहानी थी उसके कास्ट में हमने ऑलरेडी प्रतीक के साथ दुआ करो किया था, बट ही वॉज शूटिंग दैट, वो हमने वो उस किरदार में एकदम शूट करता था, तो हमने उसी को कास्ट किया। सो वी हैव रिपीटेड आर कास्ट, बट मेन थिंग है कि सबसे पहले गाना होता है, गाना सब चीज़ें ड्राइव करता है। मैं सबसे यह कहना चाहूँगा कि जैसा प्यार आपने दुआ करो जाना है तो जा और सम्मो को दिया है, वैसे ही मेहरबा को भी दीजिए, आने वाले गाने को भी दीजिए, और अपने अगर अच्छा लग रहा है तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, पर मैं चाहूँगा कि अगर इसके बारे में कुछ भी लगता है तो प्लीज़ आप उस पर कमेंट कीजिए। आपके जो कमेंट्स होंगे दैट विल मेक अस नो आर सेल्फ बेटर और हम और अच्छा एंटरटेनमेंट काम कर सकें। थैंक यू फॉर हिज एक्सेलेंट लिरिक्स। Terence is a remarkable human being, first of all, and he is having a fantabulous body. He looks sexy in the video, bahut hi macho and very raw, very brawny. और अजीज ने भी उनको ऐसा पिक्चराइज किया है कि मतलब वो उनका एक जो सेक्स अपील है वो बहुत ही उसके अंदर उभर के बाहर आता है, तो वो भी एक बहुत अट्रैक्टिव पॉइंट है पूरे सॉन्ग में। और कश्मीर के बैकग्राउंड पे टोटल आल्प्स के बैकग्राउंड पे जो इन्होंने अजीज ने शूट किया है एकदम ज़बरदस्त लगता है। ऐसा लग रहा है कि आप स्विट्जरलैंड में हो जबकि वो कश्मीर है। Everyone has done a very fantastic job, you know, from Raja to Aziz to SK Music to Terence to Anjali. सबने इतना खूबसूरत काम किया है कि मतलब मुझे प्यार हो गया इस गाने से। और सच कहूँ अजीज ने बहुत ही अच्छे से खूबसूरती से शूट किया है, म्यूजिक बहुत अच्छा है, एडिट बहुत अच्छा हुआ है, क्योंकि टेरेंस खुद इतने अच्छे इंसान हैं तो उनके ऊपर जो इमोशन दिख रहे हैं वो बहुत ही खूबसूरत है, बहुत बढ़िया है। और वादियाँ Yes. कश्मीर की वादियाँ मुझे लगता है कि ऐसी सिचुएशन में और सब्जेक्ट को एनहांस कर देती है, तो ऑल ओवर फैंटास्टिक जॉब। एंड एसके म्यूजिक इज गेटिंग बेटर बाय एवरी पासिंग सॉन्ग। मुझे लगता है कि पिछले 3-4 महीने में ये तीसरा या चौथा ब्लॉकबस्टर है, तो उन्होंने सच कहें तो आग लगा रखी है। थैंक यू। अच्छा सॉन्ग किया है, उन्हें हमेशा टीवी पे देखते रहे, तो जज की चेयर पे बैठते हैं और आज उनको रियल में डांस करते हुए देखा एक म्यूजिक वीडियो में, तो बहुत अच्छा लगा। और डायरेक्शन जो अजीज़ भाई ने किया है तो बहुत ही अच्छा किया है। और मैं और अजीज़ भाई शूट कर रहे थे दुबई में गाना, तो इस गाने का लाइनअप हो रहा था, तो मुझे नहीं पता था कि गाना इस लेवल पे शूट होगा, तो बहुत अच्छा लगा ये गाना आज देखा। और बेस्ट विशेज है, सिद्धार्थ जी ने बहुत अच्छा कंपोज किया है और दोनों सिंगर्स ने बहुत अच्छा गाया है। जी जी सर, राधे राधे के बाद अभी हमारी फिल्म आई है जनहित में जा रही है, उसमें मेरा धनी भानुशाली का डुएट गाना आया है। उड़ा गुलाल इश्क वाला जो नाचे ब्रिज में राधा, देन आश्रम 2 में बाबा लाए क्रांति था, आश्रम 3 अभी जो सुपर डुपर हिट हुई है उसमें टाइटल ट्रैक मैंने गाया है जप नाम। और आगे आने वाली जितनी भी फिल्में, ड्रीम गर्ल 2 आ रही है अभी, काफ़ी फिल्में आ रही है, उसमें आप गाने जल्दी सुनेंगे।